Good evening to all. We are starting with a course named Tally Ace, which has been trained by Tally Institute of Learning. It's a subsidiary of Tally Education, that is Tally Solutions. The objective of this course is to impart you practical training of accounting. Okay? But you very well know that no practical training is useful unless it is backed by adequate theoretical knowledge. So, in order to have adequate theoretical knowledge, we'll first start with introduction to accounting, wherein we'll learn the basic concepts of accounting. Okay? And thereafter, learning the basic concepts of accounting, उसके बाद हम लोग किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं ये सीखेंगे. ठीक है, आज हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस अपने अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करती है वो टैली होती है. ठीक है, तो वंस यू आर वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन टैली, तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने खुद के अकाउंट्स को बिजनेस के मेंटेन कर सकते हैं. चैप्टर वन इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. इट्स अ प्योर थियोरेटिकल चैप्टर. ठीक है, जहां पे हम लोग थियोरेटिकली अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इस चैप्टर में, और फिर इस कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे इसे इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो मोर यू आर इक्विप्ड विद थ्योरी, आप उतना अच्छा प्रैक्टिकल कर पाएंगे. ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज होगी तभी तो उसे प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर पाएंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. दे आफ्टर कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग में जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो आपको सीखने को यहां पे मिलेगी. अकाउंटिंग एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ये सीखेंगे. टाइप्स ऑफ अकाउंट, तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं वो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर थोड़ा बहुत याद होगा, जो बेसिक अगर आप कॉमर्स से पढ़े हुए हैं तो इनिशियल ईयर्स में आपने कॉमर्स में ये पढ़ा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो जो बेसिक गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के वो सीखने को यहाँ पे मिलेंगे. और उसके बाद डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, द इंटायर डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब द जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली सारी चीजों को सीखेंगे. ठीक है, मतलब बाय वे ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, जनरलाइज करना एंट्रीज को सीखेंगे, और फिर जब ये सब कुछ सीख जाएंगे तो उसे प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन. कॉमर्शियल बिजनेसेस आर रन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट and financial transactions are the order of the day. It becomes essential for a business owner to keep a record of the business income and expenditure in order to find answers to numerous questions. सबसे पहले पैराग्राफ में आपको ये बता रहा है कि अकाउंट्स मेंटेन ही क्यों करते हैं, क्या फायदा है अकाउंट्स मेंटेन करने का. तो कहता है अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो बड़े सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा. वो कौन कौन से सवाल हैं जिसका जवाब हमें अकाउंट्स ही दे सकता है. A few of which are, is the business earning profit or is it incurring a loss? अगर आपको ये जानना हो कि business profit में है कि loss में है, तो accounting बहुत important है. Unless you have an accounts, you do not know कि आपका business profit में है या फिर loss में है. How much do third parties owe to business? Third party मतलब बाहरी लोग. ठीक है, बाहरी लोगों को business को, मतलब आपको, आपका अगर business है तो आपको कितने पैसे देने हैं. ठीक है, थर्ड पार्टीज ओ टू बिजनेस का मतलब बिजनेस को कितने पैसे लेने हैं. ये बात तभी पता चलेगी जब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रखें. इट इज टॉकिंग अबाउट डेटर्स. ठीक है, हमारे डेटर्स कितने रुपए के हैं, कितने पैसे हमें मार्केट से लेने हैं, ये तभी पता चलेगा जब हम हिसाब किताब रखते हैं. तीसरी चीज, हाउ मच डज द बिजनेस ओ टू थर्ड पार्टीज, हमें कितने पैसे देने हैं. ठीक है, यानी हमें कितने पैसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के टुवर्ड्स देने हैं या फिर क्रेडिटर्स को देने हैं, ये सब कुछ तभी पता चलेगा व्हेन वी हैव अ वेल मेंटेन्ड अकाउंट्स. कैन द बिजनेस बी एक्सपेंडेड, क्या आप बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, ये भी अकाउंट्स ही बताएगा. ठीक है, जब हम 5 प्रोडक्ट बेचते होते हैं तो अकाउंट्स हमें यह भी बता देता है कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बता देगा टैली का सॉफ्टवेयर, जिससे आपको यह पता चल जाएगा अच्छा इस प्रोडक्ट में हम इतना ज्यादा कमा रहे हैं,
तो आई कैन एक्सपेंड इन टू दिस बिजनेस. ठीक है, हम इस आइटम पे और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं. शुड अ स्पेसिफिक ऑपरेशन बी विदड्रॉन, क्या कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जो हमें विदड्रॉ कर लेना चाहिए. हम ए बी सी डी ई पांच प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है ए बी सी डी तो परफेक्ट है, प्रॉब्लम ई में ही है. वो कब पता चला, व्हेन यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स. ठीक है, तो आप ये भी डिसाइड कर लेते हो, एक काम करते हैं ये वाला ऑपरेशन हम अपना क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं. ठीक है, इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो मे बी आई एम प्रोवाइडिंग मोर देन टू और थ्री सर्विसेज. तो ऐसे केस में हो सकता है कि हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें समझ में आ गया कि ये सर्विस देने की वजह से क्या होते हैं, खर्चे तो ज्यादा है बल्कि रेवेन्यू कम है, तो आई कैन जस्ट स्टॉप गिविंग दैट सर्विस. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस में जितने एसेट है उनकी टोटल वैल्यू क्या है. ठीक है, अगर अकाउंट्स मेंटेन है तो आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल होगा. ठीक है, इनफैक्ट टैली तो ऐसा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक एंट्री मारेंगे तो आपके पास सीधे सीधे सब कुछ हाजिर है, आपके पास पीएल भी है, बैलेंस शीट भी है, सब कुछ रेडी है आफ्टर ईच एंड एवरी एंट्री. ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जज की व्हाट इज योर बिजनेस एसेट, आपके पास कितने रुपए के एसेट है, या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी एंट्री के टाइम पे आप ये बात जज कर सकते हैं. These answers can be arrived at by studying the financial information of a business operation. Thus, accounting is an integral part of any business. Accounting is the practice of maintaining precise record of the financial dealing of a business. कहता है कि accounts क्या है? Precise record. Basically, precise का मतलब summary. हम जितना कुछ भी business में करते हैं उसकी एक summary है हमारे पास. ठीक है? It involves identifying business transaction, recording them and summarizing the same in such a way that important financial information can be communicated to the stakeholder of the business. आप सारे business transaction को इस कदर record करते हो, summarize करते हो कि किसी भी user को जो भी आपके financial statement को देखना चाहता है उससे वो meaningful information draw कर सकता है. ठीक है, जैसे हम accounts सिर्फ अपने लिए ही नहीं बना रहे हैं, मेरे accounts को बहुतों को देखना है. जैसे अगर हम एक कंपनी है तो मेरे अकाउंट्स को शेयर होल्डर्स को देखना है, हम एक इंडिविजुअल ही है, हम बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो क्या बैंक वाले को भी मेरा अकाउंट्स देखना है, बिल्कुल देखना है. ठीक है, तो देयर आर लॉट मेनी स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड इन टू योर बिजनेस, वो आपके बिजनेस को जानना चाहते हैं. एक क्रेडिटर है जो हमें माल उधार देना चाहता है लेकिन उसके पहले वो मेरी फाइनेंशियल पोजिशन को चेक करना चाहता है, तो हो सकता है वो हमसे क्या मांग ले कि चलिए अपनी पीएल और बैलेंस शीट दिखाइए, लेट मी सी योर अकाउंट्स, और इससे हम जज कर पाएंगे कि आपकी कैपेबिलिटी है भी कि नहीं इतना पैसा या इतना माल उधार लेने की. ठीक है बात, तो कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है दोज हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, जिन्होंने भी आप कुछ भी अपना लगा रखा है आपके बिजनेस में. ठीक है, बैंक ने पैसे दे रखे हैं तो उन्होंने कुछ पैसे लगा रखे, वो इंटरेस्टेड, क्रेडिटर ने उधार दे रखा है माल इसलिए वो भी इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में. अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है, मतलब अकाउंट्स बिजनेस के बारे में बोलता है. पता है आप अगर अपना अकाउंट्स किसी के सामने रख दीजिए तो आपके बारे में वो सब कुछ जान जाएगा, ऐसे समझिए. अगर मेरा अकाउंट्स हम आपको दिखा दें, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन होती है इस क्लासेस की वो हम आपको दिखा दें तो क्या आप सारी बातें समझ जाओगे, क्या आप ये बात जज कर पाओगे कि मेरे किस सब्जेक्ट की फीस कितनी है. हाँ, अकाउंट से पता चल जाएगा. क्या आपको ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, ये भी पता चल जाएगा. क्या आपको मेरे सभी स्टाफ की सैलरी पता चल जाएगी, चल जाएगी. पता है इसका मतलब क्या है, मेरे घर खर्च कितने हैं ये पता चल जाएंगे, ये भी पता चल जाएंगे क्योंकि ड्रॉइंग भी तो बिजनेस. ठीक है, मेरे पास कार है कि नहीं है, बाइक है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा, पता चल जाएगा. वो पता है, इनफैक्ट अकाउंट्स वो लैंग्वेज है जो आपके बारे में सब कुछ कहता है. अगर किसी को अकाउंट्स दिखा दीजिए तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है. ठीक है बात, पता है आपको और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा मेरा अकाउंट्स देख के. हम घूमने जाते हैं कि नहीं बाहर, पता चल जाएगा देख के अकाउंट्स, पता चल जाएगा. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन ऑफ रहती है कोचिंग क्लासेस, ये भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा ना अकाउंट्स में. अगर अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर डेट को खर्चे की एंट्री हुई है तो इसका मतलब कोचिंग तो खुली थी ना. तो अकाउंट्स इज समथिंग विच टेल्स अबाउट अ बिजनेस, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस.
अकाउंट्स बोलता है। स्टेक होल्डर्स ऑफ अ टिपिकल बिजनेस कंसर्न आर, किसी भी बिजनेस में नॉर्मली स्टेक होल्डर्स कौन होती हैं? ठीक है, स्टेक होल्डर्स का मतलब दोज़ हू आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। ठीक है, स्टेक का मतलब होता है जिनका कुछ लगा है, देयर इज समथिंग एट स्टेक। ठीक है, ओनर उनका लगा है, मैनेजमेंट इंप्लॉइज। ठीक है, व्हाई इंप्लॉइज आर स्टेक होल्डर्स? पता है इंप्लॉइज का इंटरेस्ट बिजनेस में इसलिए है क्योंकि बिजनेस अगर ग्रो करेगा तभी तो बोनस देगा, इंसेंटिव्स देगा, बेनिफिट्स देगा। और ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा भी कि नहीं इंप्लॉय को, ये किस पे डिपेंडेंट है? बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं, इसलिए इंप्लॉय भी नजर रखा हुआ है बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा तो सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर बिजनेस नहीं ग्रो करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी बंद भी हो जाए मिलना। ठीक है, हो सकता है कि कंपनी फायर आउट कर दे इंप्लॉय को। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो दे आर इवन इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस। इन्वेस्टर, दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी एंड दे नीड रिटर्न फ्रॉम इट। सप्लायर, सप्लायर ने माल उधार में दिया है तो उसे भी जानना है, ठीक है, कि पैसे की रिकवरी हो पाएगी कि नहीं। कस्टमर, कस्टमर क्यों जानना चाहता है आपके बिजनेस में, उसे क्या इंटरेस्ट है? कस्टमर भी इंटरेस्टेड है, पता है कहां पे इंटरेस्टेड है? पता है हम आपके बिजनेस से एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, आपके यहां से एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल बस आप ही से खरीदते हैं, दूसरा कोई सप्लायर ही आज तक हमको नहीं मिला। पता है अगर आप चले गए, हम आपके कस्टमर हैं, तो हम भी गए काम से, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके अलावा कभी खरीदा ही नहीं किसी से, इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं। तो एट टाइम्स कस्टमर्स आर इवन इंटरेस्टेड टू नो योर अकाउंट्स एज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। आपके अलावा दूसरा कोई सोर्स अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, ठीक है, इसलिए हम परेशान हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरी इधर तबीयत खराब हो जाती है कि रॉ मटेरियल समय पे नहीं मिलेगा तो मेरा भी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने कर्ज दिया है वो तो इंटरेस्टेड है ही बिजनेस जानने के लिए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उन्हें क्या पड़ी है? हाँ, टैक्सेस लेने हैं उनको भाई, उनको जीएसटी लेनी है आपसे, इनकम टैक्स लेना है, तो वो भी आपके बिजनेस के हालात को जानना चाहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स, अब अकाउंटिंग में टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं ये सीखते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? एनी बिजनेस एक्टिविटी इज अ ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व्स मनी। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी जिसे आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज जिसे आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, लेकिन जब दुकान पे कस्टमर आता है तो हम उसे पूछ लेते हैं, और साहब क्या हाल चाल है आपके, पूछते हैं कि नहीं कस्टमर से? पूछते हैं। हमने ये जो पूछा है, इज इट अ बिजनेस एक्टिविटी, हाँ या ना, पहले जवाब चाहिए। कस्टमर आया तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और साहब कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके, एज अ कटसी। ठीक है, इज इट अ बिजनेस एक्टिविटी और नॉट, ये बताइए, हाँ या ना? यस, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस की वजह से ही कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो कस्टमर परमानेंटली आता रहे, माल लेता रहे, इसीलिए हाथ जोड़ के खड़े हैं उसके सामने। इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन इसकी मॉनिटरी वैल्यू बताओ, हाथ जोड़ के ये पूछने की साहब क्या हाल चाल है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू बताओ, कितने रुपए का काम हुआ है ये? इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, पता है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है ये। ठीक है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्या होता है? ट्रांजेक्शन। फिर से रिपीट करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्या चीज होगा? रिकॉर्ड क्या चीज होगा जब भी हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन सारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी जिसे आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे जिसकी वजह से मनी आता है या जाता है, मनी आए चाहे ना आए, इसकी बात नहीं हो रही है, मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ये बात हो रही है। जैसे हमने 10,000 रुपए का माल किसी को उधार में दिया, पैसे आए क्या? नहीं, पैसे नहीं आए, लेकिन उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? हाँ, अभी हमने बोला 10,000 रुपए का माल दिया,
ठीक है, दिस वॉज इन बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देयरफॉर इट इज ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, चलिए अब ऐसे समझिए, मेरी एक कंपनी है जो प्रोडक्ट को बेचती है, तो हम जैसे ही स्टोर पे आते हैं सुबह सुबह सबसे पहले 10 से 10:30 बजे तक अपने जितने भी सेल्स पर्सन हैं उन सबको क्या करते हैं, उन सबको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, उनको कुछ बताते हैं। ठीक है, इज इट अ बिजनेस एक्टिविटी, हम स्टोर पहुंचे और मेरे 10 सेल्स पर्सन है सबको आज की हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे माल बेचना है, जो कल नहीं खरीदे थे उनको कैसे बेच देना है आज। ठीक है, ये सारी बातें कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं इज इट अ बिजनेस एक्टिविटी और नॉट। हाँ, यस दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू इसकी नहीं कैलकुलेट हो सकता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, यू हैव करेक्टली आंसर्ड इट कि सर इसको कैसे मेजर करेंगे, आई कैन नॉट मेजर इट, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे अकाउंट्स में, इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन नहीं। आई होप जो आपको समझाना चाहते थे वो समझ में आया कि बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन में क्या अंतर होता है। बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस में जो भी करते हो वो बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी करते हैं जो मनी टर्म्स में मेजर होता है, और जो मनी टर्म्स में मेजर होता है वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जैसे ही हमने ट्रेनिंग कर लिया उसके बाद तुरंत सबके लिए चाय और समोसा मंगा लिया, सारे इंप्लॉय के लिए चाय और समोसा मंगा लिया सभी इंप्लॉय के लिए, अब बताइए ये भी क्या बिजनेस एक्टिविटी है? यस इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? यस इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तुरंत एंट्री भी डलेगी इसकी, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गई हमें बात, ट्रांजेक्शन क्या होता है ये क्लियर है, बिजनेस एक्टिविटी जिसे मनी टर्म्स में मेजर किया जाता है। अब ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने पहले आपको बताया था मनी टर्म्स में मेजर होना चाहिए तभी ट्रांजेक्शन है, और अगर मनी तुरंत आ रही है या जा रही है, ठीक है मनी में मेजर तो हुआ ही है, तुरंत आ रही है या जा रही है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। मनी बाद में आएगी या बाद में जाएगी, मनी बाद में आएगी या बाद में जाएगी तो सच ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, जो चाय और समोसा आया था उसका पैसा तुरंत दिला गया था, बिजनेस एक्टिविटी है यस, ट्रांजेक्शन है यस, कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। चाय और समोसा आया था, पैसा बाद में दिलाएगा मंथ एंड पे, एक बार में हिसाब करते हैं उसका महीने भर पे, जितना चाय समोसा रोज आता है रोज पैसे नहीं देते हैं, महीने के अंत पे देते हैं उसे, बिजनेस एक्टिविटी यस, ट्रांजेक्शन यस, विच ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज, परचेज का मतलब होता है इन्वेंट्री परचेज करना, व्हाट डू मीन बाय परचेज? परचेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट, गुड्स का मतलब इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री किसे कहा जाता है? जिसे हम फर्दर सेल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परचेज ऑफ गुड्स कोई हम परचेज कहते हैं। ठीक है, हालांकि परचेज तो हम बिजनेस के लिए फर्नीचर भी करते हैं, तो इज इट परचेज? नो, दैट इज नॉट परचेज, दैट इज एसेट। ठीक है, हम बिजनेस के लिए मशीन भी खरीदते हैं, ठीक है, तो दैट इज परचेज? नो, दैट इज नॉट परचेज, दैट इज एसेट। परचेज किसे कहा जाता है? परचेज ऑफ इन्वेंट्री को, जब भी हम बोले परचेज तो परचेज का मतलब क्या है? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स गुड्स, गुड्स विच यू आर गोइंग टू रीसेल। ठीक है, एक बात बताइए, क्या फिक्स्ड एसेट फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या उसे भी सेल कर देते हैं कि नहीं? कभी ना कभी, 10 साल बाद पुराना हो गया फर्नीचर तो उठा के बेच दिया, तो फर्नीचर भी बेच दिया, तो यानी जो खरीदे थे वो परचेस है? नहीं, पता है जिसे हम सेल कर देते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है? वो आइटम होती है जिसे हम नॉर्मली बेच देते हैं। ठीक है,
और उसे जब खरीदा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज। बेचने को तो फिक्स्ड एसेट भी बेच देते, मशीन भी बेच देते, लेकिन उसे ऑर्डिनरी नहीं बेचते, नॉर्मली नहीं बेचते। जिसे हम ऑर्डिनरी या नॉर्मली नहीं बेचते वो इन्वेंट्री नहीं होती। बेच देना इज समथिंग एल्स और नॉर्मली बेचना इज समथिंग एल्स, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होती है? जैसे ही बोलेंगे क्या बोलेंगे आप? गुड्स विच आर नॉर्मली सोल्ड, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सोल्ड नहीं, क्योंकि सेल तो दुनिया की हर चीज होती है, ठीक है। जैसे हर चीज बिका हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज बेचेंगे बिक जाएगी वो, तो क्लियर है बात सबको। तो इन्वेंट्री वो आइटम है जिसे हम नॉर्मली रीसेल करते हैं, जिसे हम सेल करते हैं, और उसकी खरीदारी को क्या बोला जाता है? परचेज। परचेज रिटर्न क्या है? जो माल हमने खरीदा है, इन्वेंट्री जो हमने खरीदी है उसे वापस कर देते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? परचेज रिटर्न। सेल्स, इन्वेंट्री जब आप बेचते हैं तो उसे सेल कहा जाता है। बेचने को तो फिक्स्ड एसेट भी बेचते हैं, ठीक है। सेल क्या होती है? सेल ऑफ इन्वेंट्री, राइट। व्हाट इज इन्वेंट्री आप बताएंगे? व्हाट इज इन्वेंट्री? गुड्स विच आर नॉर्मली सोल्ड, ठीक है। सेल कैन बी कैश सेल, कैन बी क्रेडिट सेल। सिमिलरली परचेसेस कैन बी कैश परचेसेस एंड कैन बी क्रेडिट परचेसेस। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो माल आपने कस्टमर को बेचा है वो आपको वापस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न। डेटर कौन है? डेटर कौन है? जिसे आप माल उधार में देते हो वो डेटर है, ठीक है। क्रेडिटर कौन है? जिसे आप माल उधार में लेते हो वो क्रेडिटर है, ठीक है। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। स्टॉक क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड स्टॉक? स्टॉक है आपका अनसोल्ड आइटम, ठीक है। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द अनसोल्ड आइटम विच इज रिमेनिंग विथ अस, ठीक है। जो हम खरीदते हैं वो इन्वेंट्री होता है, जो बच जाता है वो मेरा क्या होता है? स्टॉक होता है, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू तो बेसिकली होती है सेल, रेवेन्यू होती है बेसिकली सेल्स, ठीक है। यहां पे वर्ड अर्निंग यूज किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें अर्निंग पता है हम किसको बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है बात। तो यहां पे जो ये डेफिनेशन है ये परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, तो हमने थोड़ा सा रेक्टिफाई करा दिया आपके लिए। रेवेन्यू स्टैंड्स फॉर सेल्स बेसिकली, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है योर टर्नओवर, क्लियर है। जैसे जो फीसेस आती है मेरे लिए वो पता है क्या होती है? रेवेन्यू। जब हम उसमें से खर्चे घटा देते हैं तो क्या आता है? अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग इज नॉट रेवेन्यू, अर्निंग इज प्रॉफिट, एंड रेवेन्यू मीन्स the gross amount, the gross collection that comes to me, ठीक है। basically आप इसको कह सकते हैं revenue is sales, yes, ठीक है। अब ये तीन word, accounting assumptions, concepts and principles, जब commerce शुरू होता है ना, basically हर जगह स्कूलों में commerce शुरू होता है in the class 11th, ठीक है। और जब कॉमर्स शुरू होता है तो सबसे पहले आपको यही तीन टर्म सिखाए जाते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। कोई बताएगा क्या होता है अकाउंटिंग एजम्पशंस, क्या होता है कॉन्सेप्ट्स और क्या होता है प्रिंसिपल? और हमने नोटिस किया है कि नॉर्मली लोग बता नहीं पाते कि ये होता क्या है। चलिए ठीक है, ये तो मोटा मोटी हम भी बात समझ पाते हैं जब डेफिनेशन से, थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, आप समझाते हैं कि assumptions क्या है, concepts क्या है और principles क्या है। assumptions का मतलब होता है
ऐसी बात समझते हैं जिससे हम दिमाग में बैठा पाए और समझ पाए, खुद को भी सेटिस्फाई कर पाए। क्या आपने जो आंसर किया, क्या अंदर से जवाब मिल रहा था कि दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, हम चीजों को बता पा रहे हैं? आइए समझते हैं इस बात को। एजम्पशंस क्या चीज होती है? एजम्पशंस इज एग्रीड अपॉन रूल्स। एजम्पशन का मतलब होता है मान लिया हमने, कोई बहसबाजी नहीं चाहिए, कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसके लिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मान लिया बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो हम आगे नहीं जाएंगे, कभी पूछा नहीं हमने किसी से। जब छोटे थे तो मम्मी कहती थी कि बिल्ली रास्ता काट दिए बेटा आगे नहीं बढ़ना, कभी बढ़े ही नहीं, कभी तर्क वितर्क नहीं किए, पूछे ही नहीं। क्यों नहीं पूछे? क्योंकि आज तक ये बात किसी ने किसी से नहीं पूछी। क्या लॉजिक है भाई, बिल्ली काट दिए तो ऐसा क्या काट दिया? Agreed upon rules. This is agreed upon rules, जिसे कहा जाता है assumption. Accounting में भी बड़ी सारी चीजें assumption है। पूछिएगा मत क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है, बरसों से चली आ रही है, बस वैसे ही चल रही है। जैसे accounts 12 महीने का बनता है, हम आपसे पूछे 13 महीने का क्यों नहीं? और क्या मजाक है भाई, 13 महीना आज तक ऐसी बात कोई बोला ही नहीं। 12 महीने का शुरू से बन रहा है accounts। शुरू से मतलब क्या? अरे presumed है, that is called assumption. ये बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक सिस्टम जिससे हम चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करा सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज कंसिस्टेंट चाहते हैं तो उसके लिए हम सिस्टम बनाते हैं, हर कोई एक जैसा करे, इसके लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट। एग्जांपल से समझाते हैं इस बात को। स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है शूज पॉलिश करके आना, नहीं तो पनिशमेंट दे देंगे। अरे अगर किसी का शूज पॉलिश नहीं है तो क्या पढ़ाई नहीं कर पाएगा क्या वो बच्चा? कि वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा कि मैडम नहीं पढ़ा पाएंगी? हम तो कभी आपका शूज देखते भी नहीं, पता नहीं पॉलिश है भी कि नहीं है, पढ़ाई चल रही है। लेकिन स्कूल में क्या है, अगर आज बच्चे का शूज पॉलिश नहीं है तो उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। अरे क्या हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्या? बट दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। हम कंसिस्टेंसी चाहते हैं, हर बच्चे का शूज पॉलिश चाहते हैं, हम उसे वेल मैनर्ड बनाना चाहते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। हम नहीं चाहते इस बच्चे में और इस बच्चे में अंतर हो, हम सबको कैसा देखना चाहते हैं, वेल ड्रेस्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। छोड़ दीजिए अकाउंटिंग, आइए हम लोग जनरल बात करते हैं, ये वर्ड तो समझे क्या होता है। ठीक है, एजम्पशन का मतलब कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए, मान लिया जो कहा मान लिया। तो क्या अकाउंटिंग में भी ऐसी चीजें होती है, कोई तर्क वितर्क नहीं मान लिया? हाँ, आगे चल के बताएंगे, अकाउंटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है बिना तर्क वितर्क के चलती है, माना गया है। कॉन्सेप्ट क्या है? हम चाहते हैं आप सब एक जैसा अकाउंट्स बनाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए। अदरवाइज ये कुछ और करेंगे, ये कुछ और करेंगे, ये कुछ और करेंगे, सब अलग अलग करेंगे, तो कुछ सिमिलैरिटी रहे, सिस्टम चल सके, आगे बढ़े गाड़ी, इसलिए हमने क्या बनाया है, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या चीज होती है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड रूल्स। ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा तो ऐसा अनर्थ भी होगा, ये भी बताएंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चा बात ना करे, ये रूल है, ये स्कूल का रूल है कि क्लास में बच्चा बात ना करे, तो बताइए ये रूल क्या है, प्रिंसिपल है। क्यों प्रिंसिपल है? क्योंकि बच्चा बात करेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये तर्क है, इसके पीछे लॉजिक भी है। बच्चा बात करेगा तो पढ़ाई कहां होगी, सिर्फ उसकी खराब नहीं होगी, पूरे क्लास की खराब होगी। तो हमने अगर यह कहा कि बच्चे बात नहीं करेंगे तो दैट इज एन प्रिंसिपल, ये नियम है, ये रूल्स है। तो बेसिकली प्रिंसिपल आप कह सकते हैं नियम, और नियम जब कुछ होता है ना तो उसके पीछे लॉजिक होता है, ऐसा करना है, ये एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, एजम्पशन क्या है? कोई रूल नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट दिए तो नहीं जाना है, हम तो अब चल भी जाते हैं, छोटे थे तो मान लेते थे मम्मी की बात, अब चल जाते हैं, कहते बिल्ली काट दी अब हम भी काटेंगे रास्ता। ठीक है, बाय बाय, बिकॉज दैट इज एन अजम्पशन,
कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, कोई अगर लॉजिक बता दे क्यों, तो शायद हो सकता है अगली बार से ना आगे बढ़े। सबको बात समझ में आ रही है? आइए अब अकाउंटिंग के एजम्पशन कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को देखते हैं। अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन, सबसे पहली एजम्पशन अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। ये एजम्पशन ये कहता है बिजनेस और उसके ओनर दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है और उसका ओनर जो है वो अलग है। मतलब आपने अगर अपनी प्रोप्राइटरी कोई फर्म बनाई तो वो प्रोप्राइटरी फर्म आपकी अलग है और आप अलग हैं, ठीक है। आप प्रोप्राइटरी फर्म में कुछ डालेंगे, ठीक है, या आप उससे माल निकालेंगे तो हम इसकी भी एंट्री करेंगे। आप अलग हैं, बिजनेस अलग है, ठीक है। ये अजम्पशन चली आ रही है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, बरसों से ऐसा चला आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, हम आपको अंडरलाइन करा देते हैं। ये रही वो मेन लाइन, प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन यही अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। क्या एजम्पशन चलती है अकाउंटिंग पीरियड की, बोलिए। वन ईयर इज जनरली कंसिडर्ड एज द अकाउंटिंग पीरियड। एक बात बताइए, आप सबने कॉमर्स किया है, सब कॉमर्स वाले हो, चलो कोई बात नहीं, जो नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए, क्या कभी क्लास 11 में जब मैडम ने 12 महीने के बाद बैलेंस शीट बनाई तो पूछा आपने क्यों 12 महीने बाद ही? मैडम एक महीना थोड़ा सा और डिले करते ना, 13वें महीने पे बनाते हैं बैलेंस शीट। नहीं, ठीक है, एज बिकॉज अगर आप पूछ भी लेते ना तो मैडम जवाब नहीं दे पाती, इसलिए क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं है। अगर प्रिंसिपल होता ना तो जवाब दे देते हम, वो एजम्पशन है, ठीक है। एजम्पशन कैसे बनता है, कोई बता सकता है कैसे बनता है एजम्पशन? कोई चीज चलते आती है ना मार्केट में, धीरे धीरे वही एज्यूम्ड हो जाती है, बस ऐसे ही होता है। अरे बात समझ में, एजम्पशन कहां से कब कोई चीज पैदा हो जाती है, मार्केट में चलने लग जाती है, बस अब लोग कहते हैं बस मान लिया, ठीक है। ये जितने हम तो कहते हैं ये जो जितने बाबा बाबा है ना हमारे देश में, ये भी सब एजम्पशन ही है। एकाएक आते हैं मार्केट में, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये बाबा है, प्रिंसिपल ही थोड़ी ना है, ठीक है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि अभी बिजनेस चलता रहेगा। आप जब भी अकाउंट्स बनाते हैं ना तो आप ये मान के चलते हैं बिजनेस चलता रहेगा, कभी आपको पता नहीं चला होगा, आइए आज पता लगाते हैं आपको। चलिए देखिए, आपने एक एसेट परचेज की ₹10 लाख, ठीक है, इसकी लाइफ है 5 इयर्स, 10 लाख रुपए की एसेट, लाइफ कितनी है 5 साल, ठीक है। 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, निकालो डिप्रिसिएशन इसका, जानते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है, 2 लाख रुपया। कैसे किया आपने, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल, 2 लाख रुपया। क्या मतलब हुआ इसका, बेसिकली ये मतलब इसका ये हुआ कि 10 लाख की एक एसेट खरीदे जो हमें 5 साल तक बेनिफिट देगी, तो हर साल हम 2-2 लाख रुपया खर्चा मान लेते हैं। क्या होता है 2 लाख के डिप्रिसिएशन का मतलब, कि अगर एक एसेट 10 लाख रुपए की है, 5 साल हमें फायदा देगी, बेनिफिट देगी, लाइफ 5 ईयर का मतलब आई कैन यूज दिस एसेट फॉर 5 ईयर्स, सिंस आई विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एसेट फॉर 5 ईयर्स, सो आई एम चार्जिंग इट्स कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये हमको फायदा देगी 5 साल, इसलिए इसके खर्चे को भी 5 साल पे बांट देते हैं, हर साल 2-2 लाख दिखाते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, ये एसेट आपको 5 साल बेनिफिट देगी, ये बात तो सही है, आप 5 साल धंधा करोगे ये आपको किसने बताया? अब बिजनेस ही 2 साल की है तो 2 साल बाद धंधा बंद हो गया तो 2 ही साल बेनिफिट देगा ये, कभी सोचा था इसके बारे में?
नहीं सोचा था, क्योंकि प्रिज्यूम करके चल रहे हो, ऊपर से ही ये दिमाग में बात बैठी हुई है कि धंधा चलता रहेगा। आई बात समझ में? कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा। आप डेप्रिसिएशन 2 लाख निकालते समय कभी इस बात पे गौर किए थे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि धंधा तो चलता ही रहेगा। हम एक बार भी नहीं सोचे कि धंधा कैसा चलेगा। या सोचिए, अगर बिजनेस ही 4 साल चलाएंगे तो 10 लाख की एसेट तो बेनिफिट 4 ही साल दे पाएगी, भले उसकी लाइफ 5 साल हो। और ना ही आपने एक बार भी हमसे पूछा कि सर बिजनेस कैसा चलेगा। आपने बोला एसेट 10 लाख, लाइफ 5 साल, डिवाइड किया 2 लाख रुपया निकाल दिया खर्च से। Why? Because you have assumed something that the business will continue in future. आई बात समझ में? यही है going concern assumption. Going concern assumption का मतलब है accounts have to be maintained with an expectation that the business will exist for a long period. Accounts इस कदर maintain होते हैं कि आप बिजनेस को कंटिन्यू अभी चलाते रहोगे। मनी मेजरमेंट एजम्पशन, सिर्फ जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होते हैं वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। क्यों? जवाब दीजिए। जो मनी में मेजर करते हैं वही क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जो मनी में मेजर नहीं कर सकते वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? कोई जवाब नहीं इसका। एजम्पशन यही चला ही आ रहा है। जितनी भी चीजें मनी में मेजर होती है वही अकाउंट फॉल की जाती है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट एजम्पशन का मतलब ये है ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, ये एक एजम्पशन है। तो व्हाट आर द एजम्पशंस? आइए देखिए क्या क्या एजम्पशन है। अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन, बिजनेस और ओनर अलग अलग है। दूसरा, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, 12 महीने पे अकाउंट्स बनाया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, धंधा चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट एजम्पशन का मतलब, मनी मेजरमेंट एजम्पशन का मतलब जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होंगे बस उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट पे। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट क्यों होते हैं? ताकि अकाउंट्स बनाने में कंसिस्टेंसी हो, सभी लोग एक जैसे अकाउंट्स बनाए। ठीक है, हमारा अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स एक जैसा हो। ठीक है, अगर वही ट्रांजैक्शन बिजनेस के हो रहे हैं, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसके ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करें जाके, ये रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग एक जैसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ और बन जाता है अकाउंट्स। हम अकाउंटिंग करते हैं तो प्रॉफिट आता है 10 लाख, ये करती है अकाउंटिंग तो प्रॉफिट आता है 4 लाख, ये करते हैं तो माइनस हो जाता है 3 लाख। बिजनेसमैन कह रहा है ये क्या, अकाउंटेंट बदलो प्रॉफिट भी बदल जाता है मेरे धंधे का। सेम ट्रांजेक्शन है, सेम एंट्री हमको दे रहा है, लेकिन सबके अकाउंट्स अलग अलग तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स एक जैसे तैयार हों इसके लिए अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट यह कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को अब तब रिकॉर्ड करिए, इनकम को तब रिकॉर्ड करिए जब वो रिसीवेबल है, और एक्सपेंडिचर को तब रिकॉर्ड करिए जब वो पेबल है। जरूरी नहीं है कि इनकम रिसीव हो गई हो और एक्सपेंडिचर पे हो गए। ठीक है, इसे कहा जाता है अक्रूअल अकाउंट। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? अक्रूअल अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए मेरी फीस 10 लाख रुपए आ चुकी है और 3 लाख रुपए आनी बाकी है, 10 लाख आ चुकी है और 3 लाख आना बाकी है, तो कैश बेसिस पे अगर अकाउंटिंग की जाएगी तो फीस पता है कितनी बोली जाएगी? 10 लाख। लेकिन अक्रूअल बेसिस पे 13 लाख रुपया। ठीक है, क्लियर है अक्रूअल अकाउंटिंग? अक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब यह होता है कि इनकम को तब रिकॉर्ड करिए जब वो रिसीवेबल है। 3 लाख रुपया रिसीवेबल है ना, ठीक है, रिकॉर्ड कर दीजिए उसको भी, और एक्सपेंडिचर को तब भी रिकॉर्ड कर लीजिए जब वो पेबल है। पे नहीं की हो, पेबल है, रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन कैश बेसिस का मतलब ये होता है जितना आया वो रेवेन्यू और जितना पे किया उतना एक्सपेंस। लेकिन अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जो आया वो रेवेन्यू, जो आने वाला है वो भी रेवेन्यू, जो खर्चा पे किया वो एक्सपेंस और जो पे करना है वो भी एक्सपेंस। ये होता है अक्रूअल अकाउंटिंग।
तो ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि अकाउंट्स कैसे बनना चाहिए अक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। यानी हर कोई अकाउंट्स कैसे बनाता है अक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट हो, कम से कम दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी टर्म्स का है तो निश्चित है एक बेनिफिट जाता होगा तो एक बेनिफिट आता होगा, यही होता होगा। अरे मनी टर्म्स का ट्रांजेक्शन है तो बस आता होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। एक तरफ बेनिफिट आता होगा तो दूसरा बेनिफिट जाता भी होगा। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन का नाम लीजिए आप, बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन का नाम, गुड्स बेचा, ठीक है, तो क्या बेनिफिट आ रहा है? पैसे आएंगे। क्या बेनिफिट जा रहा है? गुड्स जा रहा है। हमेशा एक बेनिफिट आएगा एक बेनिफिट जाएगा, पक्का ये गारंटी है कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का बोल दीजिए। एक बेनिफिट आएगा तो दूसरा बेनिफिट जाएगा, ये कंफर्म्ड बात है। इसीलिए दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे और इसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यानी एक खाते को आप डेबिट कीजिए, दूसरे खाते को क्रेडिट कीजिए, ठीक है। इतनी बात पता है वो क्या बात कर रहा है? कह रहा है अकाउंट्स वो नहीं होता जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन होता है। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। हमने बोला सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है तो बच्चे तैयार हो गए बताने के लिए कि सिंगल सिस्टम एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। होता ही नहीं है ऐसा कोई अकाउंटिंग, ऐसी कोई अकाउंटिंग ही नहीं होती जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है। पता है सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है अधूरा अकाउंट। कुछ बिजनेसमैन एक छोटी सी डायरी पॉकेट में रखे होते हैं, किसी को 10,000 रुपया का माल दिया तो उसी में लिख देते हैं 10,000 मोहन, और जब वो 2,000 रुपया दे देता है तो 10,000 को काट के उसी में लिख देते हैं 8,000 रुपया। यही है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये कोई अकाउंट थोड़ी ना है। आया समझ में? तो सिंगल एंट्री सिस्टम जब नाम बोलते हैं तो बड़ा लगता है सुनने में, तो बच्चे सोचते हैं और डिफाइन कर दें आज इसको, ठीक है। That's exactly single entry system, ठीक है। Basically उस खाते को single entry system क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें debit credit दोनों चीज नहीं हो रही है, एक aspect आप बस accounts का ले रहे हो, ठीक है। आपने माल उधार में दिया, बस आपने ये record किया, ठीक है। कौन सा concept? Single entry system कैसे आया? आप ही जैसे लोगों ने बना दिया, ठीक है। आलस सारी चीजों को पैदा कर देता है, एक से एक रास्ते बना देता है, ठीक है। आज अगर हमको अकाउंटिंग नहीं आती है तो सिंगल एंट्री ही तो करते हैं, जितने बनिया है यही काम तो कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं? जितनी डबल एंट्री सिस्टम हमारे देश में बन रही है उससे ज्यादा सिंगल एंट्री बन रही है, ठीक है। बेसिकली वो बन नहीं रही है, वो हो जा रही है अपने आप। हमने आपको 10,000 रुपया का माल दिया, डायरी में चढ़ा दिया 10,000 रुपया आपके नाम से, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस से पैदा हो गई है, ठीक है। जब आप छोटे होंगे तो आप साइकिल चलाते होंगे तो बिना सीट पे बैठे चला दिए होंगे, उसको बेसिकली कहते हैं कैची साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। आप पूछेंगे हमसे कैसे आया ये कॉन्सेप्ट, कैसे आया? अरे लोग जो छोटे होंगे साइकिल पे सीट पे नहीं बैठ पाते होंगे पहले, वो कैची चला देते होंगे। आज के जमाने में नहीं मिलेगा कोई कैची चलाने वाला, क्योंकि छोटी छोटी साइकिलें आ गई हैं। बच्चा 2 साल का होता है तो 2 साल के बराबर वाली साइकिल चलाता है, 4 साल का होता है तो 4 साल के बराबर वाली साइकिल चलाता है। किसी जमाने में बस पापा की साइकिल होती थी तो छोटा बच्चा जो 4 साल का होता था वो कैची चला देता था। अब कहेंगे कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉन्सेप्ट अपने आप, जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप जरूरत को पूरा करने के लिए रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर मैनुअल अकाउंट्स कैसे आ गया? अरे कंप्यूटर नहीं था लोगों के पास, किसी जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं थे तो मैनुअल अकाउंट्स भी था, ठीक है। पता है आज से 20 साल बाद अगर हम पढ़ा रहे होंगे ये सब तो हमसे बच्चे पूछेंगे, कहेंगे सर कभी मैनुअल हाथ से अकाउंट लिखते थे लोग, सर कैसे कैसे हुआ था कैसे? तो उनको बताएंगे बच्चों जो आज तुम लोग कंप्यूटर देख रहे हो, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, किसी जमाने में ये सब नहीं हुआ करते थे। अब वो बच्चे तो पैदा हुए थे उसी दिन कंप्यूटर पे हाथ चला रहे थे,
ठीक है। अब उनको क्या पता कि किसी जमाने में ऐसे भी लोग थे जो पूरा जीवन बिता देते थे, कंप्यूटर देखे भी नहीं थे। तो उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा, बात बात मानो मेरी, हम ऐसे बोलेंगे, मानो मेरी बात, ऐसे भी लोग होते थे जो कंप्यूटर नहीं देखे होते थे, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंट्स ऐसा बनाइए जिसमें एक खाता डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता क्रेडिट हो रहा है। बेसिकली हम लोग ये बात सीख लेंगे कि अकाउंट्स में क्या होता है, एक बेनिफिट आता है तो दूसरा बेनिफिट जाता है, ये पक्की बात है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो बेनिफिट आना और जाना दोनों होगा, ठीक है। डेटर से पैसे आए, डेटर से पैसे आए, बेनिफिट आया और गया दोनों। हाँ, डेटर से पैसे आ गए तो कैश आ गया, ये फायदा। आने वाला एक बेनिफिट था वो चला भी गया, खत्म हो गया। पहले डेटर देख के खुश होते थे, 50 लाख का डेटर है, पैसा आएगा आएगा, वो गया, 50 लाख रुपए आ गए थे, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सब कुछ साफ सुथरा बताइए अकाउंट्स में। जैसे गलत बोलना तो गलत होता है, ठीक है, गलत छुपा लेना भी गलत होता है। फिर से रिपीट करते हैं बात जो हमने बोली, गलत करना तो गलत है ही, गलत करना तो गलत है ही, गलत छुपा लेना भी गलत है। जैसे हमने अकाउंट्स में यह बात नहीं बताई कि मेरा बिजनेस 4 महीने बाद बंद होने वाला है। 31 मार्च बीता, पीएल और बैलेंस शीट बना के सबके सामने रख दिए, बैंकर्स देख रहे हैं, एकदम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब गजब कमाती है ये बिजनेस तो, ठीक है, सब खुश हैं एकदम, धड़ाधड़ ट्रेडर एकदम उछल रहा है कि अरे ये तो गजब बिजनेस कमाता है, इसको तो माल देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एक ही बात छुपाए हैं, बिजनेस सचमुच कमा रहा है, धड़ल्ले से कमा रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं ना, इसलिए बिजनेस बंद करने वाले हैं 4 महीने बाद, ये बात किसी को बताए नहीं है, ठीक है। कह रहा है ये गलत है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, सारी बात बतानी होगी, ठीक है, बिजनेस बंद होने वाला है ये भी बताना होगा, यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या मानते हैं, ये हमने बताया था, एजम्पशन में बोला था, नॉर्मली एजम्पशन ये रही, नॉर्मली लोग क्या मानते हैं, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, आपका धंधा चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अगर सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं, चलता चलाता बिजनेस आप बंद करने वाले हैं, तो ये बात भी आपको बतानी होगी, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स कैसे बनाना है? अक्रूअल डबल एंट्री पे बनाना है, बातें छिपानी नहीं है, ये मतलब है फुल डिस्क्लोजर का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है, मतलब क्या है इसका? अगर हम एक एसेट खरीदे 10 लाख रुपए की, जिसकी लाइफ 5 साल है, तो 1 साल बाद डिप्रिशिएट करके उसको 8 लाख का दिखा देंगे, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई है, बेच दो 15 लाख में बिक जाएगी एसेट, वो पुरानी जरूर हो गई है लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, रीजन भी कि नई वाली तो आज 25 लाख में मिल रही है ना। आप 10 लाख की एसेट खरीदे, 5 साल उसकी लाइफ, तो 1 साल बाद कितने की दिखाते हो? 8 लाख की, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? हमने बोला 15 लाख रुपए आज हो चुकी है, 15 लाख पे दिखाएंगे? नहीं दिखाना है, यही कह रहा है, ठीक है। हमारे पूछ नहीं रहे वैसे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, हम आपको बता रहे कि दिखाना कितने पे है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जितने में खरीदे थे उसी के हिसाब से चलेगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही चलेगा, मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में नहीं चलेगा, ठीक है। बताइए अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स ना होते तो लोग अलग अलग अकाउंटिंग कर देते कि नहीं? पता चलता ये मैडम क्या करती, बोलती कि भाई मशीन की वैल्यू तो मार्केट में 15 लाख रुपए, हम 10 लाख रुपए क्यों दिखाए बैलेंस शीट में, हम 15 लाख रुपए लिखेंगे। तो इसीलिए अकाउंट से कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे स्कूल वाले अगर ना बोले ब्लैक शूज, सिर्फ बोले पॉलिश शूज, तो हर कोई पॉलिश किया हुआ शूज तो पहनेगा, लेकिन रंग बिरंगा पहनेगा, कोई लाल रंग का पहनेगा, कोई पीले रंग का पहनेगा, कोई काले रंग का पहनेगा, तो कंसिस्टेंसी के लिए किया गया है। ड्रेस जो स्कूल की होती है वो क्यों होती है? कंसिस्टेंसी के लिए, हर बच्चा एक जैसा, ठीक है। उसका नाम ही होता है स्कूल ड्रेस का, यूनिफॉर्म,
What does uniform means? Uniformity, एक जैसा, ठीक है? तो accounts एक जैसा दिखे इसीलिए concept बनाया जाता है, historical cost concept. हर कोई accounts किस पे बनाएगा? Historical cost के basis पे. Market value के परिवर्तन से accounts effect नहीं होगा. Matching concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस पीरियड का रेवेन्यू है उस पीरियड का खर्चा भी आना चाहिए. मतलब खर्चा रेवेन्यू से मैच करना चाहिए. बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चे किए गए ना वही पीएल में खर्चे आने चाहिए. रेवेन्यू और खर्चे हमेशा मैच होने चाहिए. मतलब खर्चा उसी रेवेन्यू को पाने के लिए होना चाहिए. आ रही है बात समझ में? जैसे अब आप कहेंगे accrual accounting क्यों होती है? Accrual accounting भी अपने आप में matching concept ही है एक तरीके से. क्यों? समझिएगा. हम इस बार का पूरा पैसा पा लिए हैं जो हमको लेना था, ठीक है? मेरी कलेक्शन तो पूरी आ गई है, लेकिन मेरे खर्चे कुछ ऐसे हैं जो हमने पे नहीं किए हैं. तो पता है होगा कि अगर खर्चे कुछ ऐसे हैं जो हमने पे नहीं किए और कैश बेसिस पे अकाउंट्स बना दिया तो कुछ खर्चे अगले साल पे करेंगे तो अगले साल दिखाई देगा, जबकि उस खर्चे की वजह से जो रेवेन्यू है वो इस साल हमको आ चुकी है. रेवेन्यू तो पूरी आ गई मेरी, ठीक है? जैसे मेरी फीस तो पूरी आ गई लेकिन स्टाफ की सैलरी हम नहीं दी है अभी, और कैश बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? रेवेन्यू आ जाएगी लेकिन सैलरी का खर्चा नहीं आएगा. तो सैलरी का खर्चा जो इस साल नहीं आएगा वो कब आएगा? फिर अगले साल तो पे करेंगे. अगले साल जब पे करेंगे तो वो रेवेन्यू से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उस सैलरी की वजह से, स्टाफ सैलरी की वजह से जो हम कमाए थे वो कहां था? पिछले साल. तो अकाउंट्स कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट भी करिए, इसका भी ध्यान दीजिए. जो रेवेन्यू आप दिखा रहे हैं उस रेवेन्यू पे को पाने के लिए जो आप खर्चे किए हैं वो खर्चा खर्चे में भी दिखना चाहिए. फिर उल्टा भी बोलता है, कहता है अगर खर्चा दिख रहा है तो उसकी वजह से जो आप कमाए हो भले ना आया हो पैसा, बाद में आएगा, लेकिन उसकी वजह से जो आने वाला है वो भी दिखा दो. खर्चा और रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मैच्ड होना चाहिए. जो रेवेन्यू है उसी का खर्चा होना चाहिए, जो खर्चा है उसी की रेवेन्यू होनी चाहिए, ठीक है? अपने आप मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है जब आप अकाउंट्स एक्रूवल पे बनाते हो. अगर आप अकाउंट्स एक्रूवल पे बनाओगे ना तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाएगा, खर्चा रेवेन्यू मैच हो जाएगा. ये तो कैश बेसिस अकाउंटिंग करते ना तब मैचिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि कैश बेसिस में तो क्या हो रहा है कि जब हो सकता है रेवेन्यू इस साल पा गए लेकिन उससे रिलेटेड पेमेंट हम कब कर रहे हैं? अगले साल. जैसे माल इस साल बेच दिए और उसकी पेमेंट हम कब कर रहे हैं? अगले साल. तो खर्चे अगले साल जा रहे हैं उसके, रेवेन्यू इस साल पहले ही आ रखी है. ये बात रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू जब तक आ ना जाए आप उसको रिकॉग्नाइज मत कीजिए. मतलब खर्चे की आप प्रोविजन बनाते हैं, ये बात मालूम है आपको? खर्चे जो होने वाले हैं आपको अंदाज है कि ये खर्चा हो जाएगा तो आप प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन फॉर सच एंड सच एक्सपेंस, ये खर्चा हमको देना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पास ऑर्डर आ गया है सेल के लिए, ठीक है? मेरे पास ऑर्डर आया है सेल का 50,000 यूनिट का. हमने ईयर एंड तक उसको बस 35,000 यूनिट बेची है, 15,000 यूनिट अभी नहीं दी है. ऑर्डर है मेरे पास, तुरंत अगले साल दे देंगे. क्या हम 31 मार्च को जब ऑर्डर आया उसी साल सेल दिखा दें? देंगे तो ही आगे पीछे दिखा दें? नहीं. ऑर्डर आया है तो क्या हुआ? रेवेन्यू अभी नहीं ना आई है, अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? खर्चा अगर होता तो, खर्चा होता तो रिकॉर्ड कर देते. खर्चा अगर दूर दिखता है ना तो रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू अगर दूर दिखती है, मतलब ऑर्डर आया है मतलब रेवेन्यू दूर है अभी, ठीक है? ऑर्डर आया है, रेवेन्यू दूर है, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. माल बेच दीजिए तब रिकॉर्ड करिएगा. यह रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब रेवेन्यू रियलाइज होगी तब रिकॉग्नाइज करना है. और खर्चे के साथ ऐसा नहीं है कि पे होगा तब रिकॉग्नाइज करना है. खर्चे अगर आपको लग रहे हैं डाउटफुल भी है, ठीक है, तो भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए. वेरीफिएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की आप एंट्री मारते हैं सबका एक वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए. जैसे
आपने एंट्री मारी ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर 25,000 रुपया, तो ट्रेवलिंग का बिल विल होना चाहिए। आपने मारा रिफ्रेशमेंट की खर्चे की इतने रुपए का बिल, तो उसका एक वाउचर, बिल वाउचर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट्स कहता है ये सबके पास होना चाहिए। अकाउंट्स अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो 10 मस्ट बी वेरीफिएबल। जितनी आप एंट्री मार रहे हैं सबका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सके कि ये एंट्री सही है। आइए प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नियमावली। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड रूल सही है। ठीक है, तो व्हाट आर द रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग? कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। सबसे पहली बात तो यह है कि अकाउंट्स की कॉस्ट उससे आने वाले बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज की कॉस्ट उससे आने वाले बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग तो इतनी जबरदस्त कर रहे हो ना कि पूछो मत। टर्नओवर 100 रुपया का है, तुम्हारा अकाउंटेंट रखे हो 500 रुपया का, जबरदस्त अकाउंटिंग। ठीक है, टर्नओवर 1,00,000 रुपया का साल भर का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2,00,000 रुपया दिया जाता है, उससे अकाउंटिंग कराई जाती है, एकदम परफेक्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग कराइए। ठीक है, जितना बेनिफिट आता है उतना ही कॉस्ट लगाइए। जितने कॉस्ट लगा के आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। क्या कहता है? ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज कर देने चाहिए। तो अब बात आती है, व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन? मटेरियल इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जिसके पता लगने से, जिसके जानकारी होने से सामने वाले का रिएक्शन कुछ और होता है। मतलब अगर वो चीज न जानते आप और जान जाते तो दोनों में रिएक्शन अगर बदल जाता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कहा जाता है मटेरियल इंफॉर्मेशन। आइए हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। हमने इनसे बोला कल आप जब जा रहे थे ना क्लास से तो आपकी पॉकेट से 1 रुपए का सिक्का गिर गया था, कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? गिर गया था, और वो भी बता रहे कि अब वो मिलेगा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। बोलिए, आपको कुछ पता चला है? कुछ फर्क पड़ रहा है आपको इससे? नहीं पड़ रहा है। That means the information given by me is not material. आइए फिर से बात करते हैं इनसे। कल जब आप जा रहे थे ना तो आपके जेब से 2,000 का नोट गिर गया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता भी नहीं है। अब पड़ रहा है फर्क। यानी the information given by me is material. आई बात समझ में? अगर कोई भी बात, अब ऐसे समझिए हम एक कंपनी है, कोई भी ऐसी बात जो हम आपको बताएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, वो बात हमें बतानी हो। ऐसे तो हजारों बात है, दुनिया भर की बात है, अब सब चीज तो ही ना बताएंगे। डायरेक्टर लोग आज नाश्ता कर रहे हैं, तो आज मीटिंग में बैठे हैं, तो आज घूमने जा रहे हैं, अरे सब चीज नहीं बताएंगे। ठीक है, आज एक डायरेक्टर ससुराल गया है, सारी बात नहीं बताने की आवश्यकता है। वो बात बताने की आवश्यकता है जिसके पता चलने से सामने वाले का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, उसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को कहा जाता है मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि सच मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, जैसे आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। हम कंपनी है, ठीक है, आप सब आज मीटिंग में आए हो, हम आपको बता रहे हैं देखिए कंपनी का घाटा है 25,00,000 रुपया। कैसा लग रहा है आप सबको? बड़ा खराब लग रहा होगा, बताओ कैसी कंपनी में पैसा लगा दिए, एक सब घाटा ही हो रहा है।
आपके भाई रिटर्न आता, अगर प्रॉफिट होता तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको खराब लगेगा। अब इसी में अगर आपको यह भी पता चल जाए कि डायरेक्टर सब बड़ा मजा लिए, आनंद लिए हैं, ठीक है, डायरेक्टर सब घूमने गए थे, अपने आप फॉरेन ट्रिप वगैरह किए हैं सब, ठीक है, और वो सारा खर्चा इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर नाम से कंपनी में चार्ज किए हैं, और वो खर्चा कितने का था मालूम है, 40 लाख रुपया का। अब आपको ये बात पता चल जाए, बताइए क्या होगा, फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? हाँ, शायद आप डिसाइड करोगे कि इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। 25 लाख रुपया का कंपनी का घाटा है, वो इस वजह से 40 लाख रुपया तो सब क्या किए थे, बाहर घूमने गए थे, वहां उड़ा के आए हैं सब, और उसको लिखे इंटरटेनमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। पता चलेगा तो निश्चित है फर्क पड़ेगा हमें, ठीक है ये बात। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्टर्स ने ये बात आपको बताई नहीं, पता है क्यों? क्योंकि पीएल में ये खर्चा चार्ज था टू अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, और दूसरे खर्चे, क्या ऐसे लिखा हुआ था, टू अदर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर्स, कितना 40 लाख रुपया, आपको पता ही नहीं चल रहा था। तो 25 लाख रुपया जो था वो घाटा सुन के भी आप आराम से बैठे थे, आप क्या कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला वो 40 लाख टू अदर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो लेजर ट्रिप था, किसका, डायरेक्टर्स का, तो आपके ये घाटे वाली कंपनी में तुम लोग लेजर ट्रिप कर रहे हो, इसको कमा मा के कुछ नहीं दे रहे हो, अब आप नाराज होंगे और आपका डिसीजन भी बदलेगा, शायद आप इस कंपनी से पैसे अपने निकाल लेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, यानी ये कभी भी डायरेक्टर्स ये काम नहीं कर सकते, वो लिख नहीं सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चीज, टू अदर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी। आई बात समझ में? देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि हम अकाउंट्स वगैरह में क्या करते हैं, कुछ खर्चों को मिला इला के इकट्ठा चार्ज कर देते हैं, जैसे अब कुछ बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हैं, तो अब हर खर्चे थोड़ी ना पीएल में दिखाते रहते हैं, ऐसे पता चला कि पीएल में खर्चों की लिस्ट 1000 हो गई, ठीक है, तो कुछ खर्चे हम मर्ज करके दिखा लेते हैं एक साथ, लेकिन ऐसा कोई भी चीज उसमें है जो सामने वाले का डिसीजन बदल देगा तो उसे अलग से बताना पड़ेगा, उसे आप नहीं छिपा सकते। समझ में आ गई बात? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप एडॉप्ट जो कर रहे हैं वो हर साल सेम एडॉप्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप जो भी एडॉप्ट कर रहे हैं वो कॉमन एडॉप्ट करेंगे हर साल एक ही। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने डेप्रिसिएशन SLM चार्ज किया है करंट ईयर में, तो आप ऐसे मजाक नहीं करेंगे करंट ईयर में SLM, अगले साल WDV, फिर SLM, फिर WDV, फिर SLM, फिर WDV, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन एक बार FIFO, एक बार वेटेड एवरेज, एक बार LIFO, फिर एक बार FIFO, फिर एक बार वेटेड एवरेज, तीसरी बार LIFO, जो फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली, ठीक है। आई होप सबको पता है डेप्रिसिएशन के मेथड SLM, WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो हर बार बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, WDV डेप्रिसिएशन जो हर साल कम होते जाता है डेप्रिसिएशन, जैसे पहले साल 1000 रुपए की एसेट है तो 10% चार्ज करेंगे तो कितना होगा 100, फिर अगले साल 10% किस पे चार्ज करेंगे 900 पे तो आएगा 90, फिर कितने पे चार्ज करेंगे 810 पे, 900 में से 90 भी कटाएंगे, 810 पे 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 81, ये होता है WDV डेप्रिसिएशन, और इसलिए होता है हर बार का बराबर डेप्रिसिएशन। तो एक बार जो चार्ज कर दिया हर बार क्या करना है वही करना है, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस को ही कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, ये क्या होता है, वो रहा दुख, उतना दूर है दर्द, ठीक है। अकाउंटिंग कहता है वो दुख दर्द इतना दूर है उसको खींच के आओ, पकड़ के गले लगा लो, यहां है खुशियां बस यही, ठीक है, बस आधा कदम आगे बढ़ाएंगे, एक कदम भी नहीं पूरा, आधा कदम आगे बढ़ाएंगे तो लपक सकते हैं खुशियों को, लेकिन फिर भी कह रहा है हाथ पीछे करके खड़े हो जाओ, खुशियों को मत पकड़ो, उसे खुद पकड़ने दो तुम्हें, और गम को क्या करो खींच के पकड़ लो, यही है कंजर्वेटिज्म। दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको, ऐसे समझिए आपने एग्जाम दिया और आज रिजल्ट आने वाला है, आज दोपहर में 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा और सुबह 6 बजे हम उठ गए और उसी समय से रोना शुरू कर दिए, 6 बजे उठे और रोना शुरू कर दिए, रिजल्ट 2 बजे आएगा, पता ये क्या है, कंजर्वेटिज्म, दुख दूर है
पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा, दुख होगा कि सुख होगा ये भी नहीं पता, अगर दुख होगा भी तो दूर है लेकिन फिर भी गले लगा लिए। हो सकता है उसमें खुशियां भी हों लेकिन खुशियां अभी नहीं दिखा रहे हैं, वो तो रिजल्ट आ जाएगा तब जाके क्या होगा हम खुशी मनाएंगे। बेसिकली ऐसे सोचिए तो लगभग लगभग हम इंसान भी पता है क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। कोई भी दर्द या दुख आने वाला होता है ना तो पहले से उसको क्या करते हैं, गले लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन खुशियां होती हैं तो बस ऐसे हाथ पकड़ के बैठे, बस आ जाए तब, अभी कुछ बोलेंगे नहीं, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, नजर ना लग जाए खुशियों को मेरे। पता है यही है कंजर्वेटिज्म। अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि अगर लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, खर्चे दिखाई दे रहे हैं, दूर हैं, खींच के गले लगा दो, अकाउंट्स में डाल दो उसको, ठीक है। रेवेन्यू एकदम बगल में खड़ी है, आके दुकान पे खड़ा होके बोल रहा है ऑर्डर है 500 यूनिट का, मेरे पास 350 यूनिट है, हमने कहा कल 150 यूनिट दे देंगे, लेकिन फिर भी अभी रिकॉग्नाइज मत करो, अभी कल आएगा फिर 150 दे दोगे तब 150 वाला रिकॉग्नाइज करना, अभी बस 350 वाला। कह रहा है भाई माल दे दो हम पैसे देंगे, तो भी हम मान नहीं रहे भाई, अभी नहीं अभी नहीं, 350 यूनिट के लिए हमको पकड़ लिया है, 350 यूनिट हमने रेवेन्यू मान ली, 150 यूनिट के लिए कब पकड़ेगा हमको, कल पकड़ेगा तो कल मानेंगे, ठीक है। ये बात कुल मिला के आपको बात समझ में आई कि व्हाट इज दिस कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि लॉसेस खर्चे दूर है रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना रिकॉर्ड कर दो, और रेवेन्यू इनकम इनके लिए कह रहा है कि अगर खुद आके लग जाए आपके गले तब रिकॉर्ड करना, यानी जब तक रियलाइज ना हो जाए तब तक रिकॉर्ड मत करना। दिस इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, अकाउंट इसी पे बेस्ड है। हम लोग लॉसेस को खर्चों को पहले से अकाउंट फॉल करके बैठ जाते हैं लेकिन रेवेन्यू को तब तक अकाउंट फॉल नहीं करते हैं जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाते। डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज दिस डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स, ठीक है, वन विल बी डेबिट एंड द अदर विल बी क्रेडिट, एटलीस्ट वन विल बी डेबिट एंड एटलीस्ट वन विल बी क्रेडिट, कम से कम एक आइटम डेबिट होगा और एक आइटम कम से कम क्रेडिट होगा, यही है डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Every business transaction has two-fold effect, ठीक है, और वो two-fold effect क्या होता है ये देखिए, one where the business receives a benefit and the other where it provides benefit, एक होता है receive benefit, एक होता है receive benefit और दूसरा होता है provide benefit। जब भी आप कोई भी business transaction का नाम लीजिए तो दो चीजें होती है, एक तरफ हम बेनिफिट रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ हम बेनिफिट प्रोवाइड भी करते हैं। आप गुड्स खरीदते हैं तो बेनिफिट रिसीव क्या करते हैं, गुड्स आया तो बेनिफिट आपने दिया क्या है, पैसे दिए हैं, कैश दिया है, बैंक से पैसे दिए हैं, कुछ ना कुछ दिया भी है। जो बेनिफिट आप रिसीव करते हैं बेसिकली वो होता है डेबिट, और जो बेनिफिट आप दे देते हैं पता है वो क्या होता है, क्रेडिट। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है डेबिट क्रेडिट को सीखने के लिए। धंधे में दो चीजें हमेशा होंगी हर ट्रांजेक्शन में, एक बेनिफिट आएगा तो एक बेनिफिट जाएगा, जो बेनिफिट आएगा वो डेबिट होता है, जो बेनिफिट जाएगा वो क्रेडिट होता है। कोई भी एंट्री बना लीजिए इससे बन जाएगी एंट्री। अब इसको बनाने से पहले अभी इस पर वापस से आएंगे चर्चा करेंगे, दिमाग बैक ऑफ द माइंड एक बात बैठा लीजिए कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, टू एस्पेक्ट वाले, बेनिफिट विल कम एंड बेनिफिट विल गो, द बेनिफिट विच कम्स एज डेबिट एंड द बेनिफिट विच गोज एज क्रेडिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, आइए नीचे देख लीजिए यहां पे, देयर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कितने अकाउंट होते हैं मैं साथ साथ बोलेंगे आप, देयर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट
and nominal account. Personal account, real account and nominal account. सबसे पहले ऐसे नहीं बोला जाता तीन अकाउंट. अब चेक कैसे किया जाता है, जब भी हम आपसे कहेंगे ना बताओ कौन सा अकाउंट है ये, ठीक है, बेसिकली अकाउंट कौन सा है इसी पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए गोल्डन रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, ठीक है. ये डिपेंड किस पे करता है कि वो अकाउंट कौन सा है, ठीक है. तो अकाउंट की क्लासिफिकेशन बहुत परफेक्ट तरीके से आपको आनी चाहिए, तभी आप ये डिटरमिन कर पाओगे कि उसके लिए क्या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, कैसे क्या आइटम डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. तो देयर आर थ्री अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. चेक कैसे करते हैं, पहले चेक करते हैं कि एक अकाउंट पर्सनल है कि नहीं है. अगर पर्सनल नहीं है तो वो रियल होगा या नॉमिनल होगा. चेक तीनों नहीं करना है. कैसे चेक करना है, पहले फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा, पर्सनल. अगर पर्सनल नहीं है तो या तो रियल या तो नॉमिनल, मतलब टू स्टेज क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट स्टेज पे पर्सनल है कि नहीं है, हां तो काम खत्म. और अगर नहीं है तो सेकेंड स्टेज पे हमको तुरंत पता चल जाएगा या तो वो क्या होगा, रियल होगा या तो नॉमिनल होगा. तो आप ऐसे कहिए, सीखने का तरीका क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये दोनों मिला के सेकेंड स्टेज है. अब आइए बताते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. पढ़िए डेफिनेशन. दीज आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्म और इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल का अकाउंट, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, इन सबके अकाउंट को क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है. अगर ये अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो भी ये कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट. यानी हम आगे लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. अब आपको समझाना होगा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या चीज होती है, ठीक है. सैलरी, हमने अपने आप बोला कि सैलरी का पैसा 5,000 रुपया बाकी है, ठीक है. ये बात बोले या सैलरी बाकी किसकी थी पता है, मोहन की. या ये बात बोले मोहन को 5,000 रुपया दे, ये सैलरी का 5,000 रुपए बाकी है, बात एक ही है, मोहन की तो सैलरी बाकी थी. तो पता है जो हम बोल रहे सैलरी बाकी है 5,000 रुपए की, सैलरी आउटस्टैंडिंग. पता है ये सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को. द सैलरी आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, हु, मिस्टर मोहन. तो पता है ये सैलरी आउटस्टैंडिंग भी क्या है, ये भी पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है या तो नाम होना चाहिए किसी इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का, व्हाटसोएवर, एंटरप्राइज का, और या फिर वो नाम की जगह हमने क्या लिख दिया है, जो पेमेंट उस पर्सन को देनी थी या लेनी थी वो नाम लिख दिया है. जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराई, ठीक है, तो आप अपने बुक्स में लिख देंगे राज अग्रवाल का बाकी है 10,000 रुपया, और या फिर ये भी लिख सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि ऑडिट फी का 10,000 रुपया बाकी. ऑडिट फी का बाकी है मतलब क्या, ऑडिट फी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राज अग्रवाल को, जिस ऑडिटर्स ने आपने ऑडिट कराई है, ठीक है. तो ये जो आपने लिखा ऑडिट फी पेबल, पता है ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, नॉट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन. एक पर्सन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर उसको हटा के किसी पर्सन का नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो पर्सनल अकाउंट ही है. जैसे आपने जो चीज लिख रखा है ना उसको अगर काट के हम कोई नाम लिखना चाहे वहां पे तो वो भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो वो पर्सनल अकाउंट ही है, जो आपने लिखा है वो भी पर्सनल अकाउंट, ठीक है. ऐसे समझिए, हमने किसी से पोस्टर छपवाया,
किसी से पोस्टर छपवाए, तो हम दो चीजें लिख सकते हैं, पोस्टर छपवाई का पैसा बाकी है, पोस्टर वाले का बाकी है। तो एक ही बात है, पोस्टर छपवाई का बाकी है या पोस्टर वाले का बाकी है। तो पोस्टर छपवाई भी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोस्टर वाले को। तो पोस्टर छपवाई बाकी है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, बाकी है इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब ना तो वो पर्सन है ना तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। या तो वो पर्सन होना चाहिए या तो पर्सन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर वो नहीं है तो अब आपको क्या देखना है, वो रियल होगा या नॉमिनल। कैसे चेक करेंगे, अगर बैलेंस शीट में जाता है तो रियल, और अगर बैलेंस शीट में नहीं जाता है, बैलेंस शीट में जाता है तो रियल, और अगर पीएल अकाउंट में जाता है तो नॉमिनल। इससे अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब क्लासिफाई कर लेंगे, पर्सनल अकाउंट का मतलब रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन और अ पर्सन, रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन और अ पर्सन इज पर्सनल अकाउंट। एंड इफ इट इज नॉट पर्सनल अकाउंट देन यू सी वेदर द अकाउंट गोज इन बैलेंस शीट ऑफ पीएल। इफ इट गोज इन बैलेंस शीट देन इट इज रियल अकाउंट, एंड इफ इट डजंट गो इन बैलेंस शीट गोज इन टू पीएल देन इट इज नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है, आ रहा है? आइए पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मिस्टर कार्तिक एक इंडिविजुअल का नाम है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। कैनरा बैंक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन। हमने कहा था पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन ही नहीं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, जैसे इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो कैनरा बैंक पर्सनल अकाउंट, गोपाल एंड श्याम पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, एग्जांपल लिख लीजिए इसका भी, ऑडिट फी पेबल। अरे भाई ऑडिट फी पेबल है तो किसी ना किसी पर्सन को ही तो पेबल होगा, ठीक है, उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑडिट फी पेबल बोल दो या पेबल टू राज अग्रवाल बोल दो, बात तो एक ही है ना, एक ही ना बात हुई, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। अब इसके बाद जो बच गया वो आप ये देखो कि बैलेंस शीट में है कि पीएल में है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, कोई पर्सन का अकाउंट है? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग कोई पर्सन थोड़ी ना, ना नेचुरल पर्सन है, ना आर्टिफिशियल पर्सन है, ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्या लैंड एंड बिल्डिंग या राज अग्रवाल एक ही बात है? लैंड एंड बिल्डिंग बोल दो या राज अग्रवाल बोल दो, बात तो एक ही है, वो भी तो जमीन और मकान ही है। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, वो पर्सनल अकाउंट थोड़ी ना है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अब पर्सनल नहीं है, तो अब सीधे क्या सोचना है, पीएल में कि बैलेंस शीट में, कहां जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, कहां जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, पता है लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाता है? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट सारी कहां जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में होती है। ये कुछ नॉन कॉमर्स वाले उनके लिए बात कर रहे हैं, एसेट और लाइबिलिटी ये जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर मतलब कि जो आ रहा है जा रहा है, रेवेन्यू और खर्चे, ये कहां जाते हैं, पीएल। कैश इन हैंड कहां पे होता है, पीएल में कि बैलेंस शीट में? हाँ, बैलेंस शीट में, ठीक है। कैश इन हैंड की जरूरत पड़ती है क्या, कितना फायदा कमाया ये निकालने के लिए? नहीं, रेवेन्यू में से खर्चे घटाइए तो प्रॉफिट आता है, उसमें तो कैश का जरूरत है नहीं, ये बैलेंस शीट आइटम है। देन उसके बाद गुडविल, हाँ गुडविल एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। बस आप यहां पे फोकस कर लीजिए, परचेजेस, ठीक है।
ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? परचेसेस कहां जाता है वैसे तो पीएल अकाउंट, ठीक है, बट दिस विल बी कॉल्ड एज रियल अकाउंट एज बिकॉज परचेसेस इज ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री इज ऑलवेज इनटू बैलेंस शीट। परचेसेस है किसका? इन्वेंट्री का ही अल्टीमेटली, विच इज टेकन टू बैलेंस शीट, देयरफॉर परचेसेस इज ऑलवेज रियल, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में देखिए सैलरी खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, जो जितने पीएल वाले आइटम है ना, इनकम या खर्चे, वो कहां जाते हैं? वो है नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट अगर है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट जैसे ही आए, ठीक है, मोहन सोहन ये सब आए, तो मोहन को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, अगर ये सोचना पड़े तो ऐसे सोचना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मोहन रिसीवर है तो क्या कर दो? डेबिट। अब मोहन अगर गिवर है, दे रहा है, तो क्या कर दो? क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के केस में रिसीवर है कि गिवर है ये देखना है, रिसीवर डेबिट होगा, क्रेडिट गिवर होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल याद कर लीजिए। रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के केस में जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के केस में एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो डेबिट। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, पीएल वाले आइटम होते हैं, या तो इनकम्स होती हैं या तो खर्चे होते हैं, खर्चे सारे डेबिट और इनकम सारी क्रेडिट। ये रूल अप्लाई करना सिखाएं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, रूल अप्लाई करना सीख रहे हैं हम लोग। पेड कैश रुपए 10,000 टू मिस्टर राज, इसकी एंट्री करनी है हमको। पेड रुपी 10,000, पेड रुपी 10,000 कैश टू मिस्टर राज, ठीक है। इसमें अकाउंट है, दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और एक मिस्टर राज अकाउंट। तो पहले तो जो भी हमने स्टेटमेंट बोला है, जो भी एक्टिविटी हुई है बिजनेस की, उसके उसको देखिए कि क्या ये मॉनिटरी टर्म्स में है। हाँ, 10,000 रुपया लिख रहा है, मॉनिटरी टर्म्स में बिजनेस एक्टिविटी है, मॉनिटरी टर्म्स में अब रिकॉर्ड करना है। दो अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? बस नाम बताओ, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल है क्या? जल्दी जल्दी सोचना सीखिए मेरे साथ साथ। कैश पर्सनल है क्या? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, पर्सन खुद में भी नहीं है ना किसी को रिप्रेजेंट करता है कैश, ठीक है। तो क्या हो सकता है? बैलेंस शीट में जाता है तो रियल, पीएल में जाता है तो नॉमिनल। कहां जाता है बोलो? बैलेंस शीट वाला आइटम है, ठीक है। तो बैलेंस शीट वाला आइटम है तो ये रियल अकाउंट है। मिस्टर राज पर्सन है या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं? अरे खुद पर्सन है मिस्टर राज, ठीक है, नेचुरल पर्सन है वो, तो बकायदा आर्टिफिशियल भी नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले का बनाया हुआ मिस्टर राज है। तो ये है पर्सनल अकाउंट। आओ बच्चों, अब देखो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है। रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश यहां जा रहा है कि आ रहा है? हाँ, व्हाट गोज आउट है यहां पे, कैश जा रहा है। पेड कैश रुपए 10,000 टू मिस्टर राज, ये कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट है। जो बच्चे बेसिकली तेज होंगे एंट्री मारने में, वो तो दो मिनट में एंट्री बना के रेडी होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो समझ लें, ठीक है। हालांकि एक बात बता दें, जिनको एंट्री बनाने आ रही है ना, किसी जमाने में यही सीखे थे तभी एंट्री करना सीखे, लेकिन एंट्री करना आ गया तो ये भूल गए, है कि नहीं ऐसा? एंट्री आ गया तो फिर अब ये कहां याद है? याद है? अच्छा अच्छा, अब पर्सनल अकाउंट के केस में क्या रूल है?
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर है मिस्टर राज की गिवर है? रिसीवर है, तो हम लिखते हैं रिसीवर है ये भाई। अगर व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करते हैं और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बस एंट्री बन गई, मिस्टर राज डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। ऐसा नहीं होता कि एक एंट्री करने के लिए इतना समय चाहिए, जब सीखते हैं तो समय लगता है, ग्रेजुअली आपकी आदत पड़ जाती है और आप फटाफट एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता मिस्टर राज और कैश दोनों के लिए सीखना, एक के लिए भी कर लो। कैश का क्या होना चाहिए? कैश जा रहा है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो अपने आप मिस्टर राज डेबिट हो गए। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो एंट्री और जल्दी जल्दी बनने लग जाती है। जैसे हमने ऐसे बनाया, पहले अकाउंट का नाम दिया, ठीक है, फिर रूल का नाम दिया और फिर बताया डेबिट या क्रेडिट। क्या आप भी ऐसा करेंगे? एक हम आपको ट्रांजेक्शन दें, पहले अकाउंट का नाम बताइएगा, उसमें जो जो अकाउंट होंगे उसका नाम, फिर उसके बाद रूल, और उसके बाद डेबिट या क्रेडिट, और फिर उसके बाद एंट्री। इतने लेवल में काम करके दिखाना है आपको। लिखिए, सब कोई अपनी कॉपी में लिखिए और जितना काम हमने किया वैसे करके दिखाइए। पेड सैलरी बाई HDFC बैंक। हमने अपने इंप्लॉय को HDFC बैंक से चेक काट के सैलरी दी है, ठीक है, इसकी एंट्री बतानी है। तो एंट्री बताने के लिए पहले पूरा सारी चीजें, पहले अकाउंट कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, अकाउंट में रूल कौन सा लगेगा, देन डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन फाइनली द जनरल एंट्री। जो नाम हमने लिखा है ना उसी में से खोज लीजिए, अकाउंट के नाम तो उसी में मिल जाएंगे। आप अपने से नया नाम मत बनाइए, अब स्टाफ अकाउंट भूल जाइए, जो नाम हमने ट्रांजैक्शन में लिखे हैं उनमें से आपको अकाउंट मिल जाएगा। हाँ, सैलरी। लिखा आपने, चलो अब हम भी लिखते हैं आपके साथ साथ। इसमें दो अकाउंट है, एक है सैलरी, दूसरा है HDFC बैंक। सैलरी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है क्या सैलरी? नहीं, पर्सनल नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली PL में जाता है। ऐसे याद रखिएगा, PL वाला आइटम जितने भी खर्चे और रेवेन्यू है वो क्या है? नॉमिनल, ठीक है। बैलेंस शीट वाले जो है वो क्या है? रियल। और जो पर्सन है या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं सैलरी भी तो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। सैलरी आई एम गिविंग टू माय 30 एम्प्लॉइज, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन नहीं है वो। अगर वो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती तो शायद उसका नाम भी हो सकता है वहां, ठीक है, तो हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यही देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है, सैलरी किसी एक पर्सन की होगी, मोर देन वन पर्सन भी तो हो सकती है, ठीक है, तो देयरफॉर वी कंसीडर इट एज नॉमिनल अकाउंट, वो पर्सनल की कैटेगरी से बाहर हो गया, नॉमिनल में आ गया। ये नॉमिनल है। HDFC बैंक पर्सनल, ये इंस्टीट्यूशन है। अगर नॉमिनल होते हैं तो रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। सैलरी क्या? एक्सपेंसेस की इनकम, एक्सपेंसेस, तो इसलिए ये डेबिट। HDFC बैंक पर्सनल है तो पर्सनल में रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। HDFC बैंक रिसीवर है या गिवर है? HDFC बैंक देगा या लेगा? देगा ये, ठीक है, ये गिवर है। गिवर को क्या किया जाता है? क्रेडिट। एंट्री बन गई, सैलरी डेबिट टू
HDFC Bank. ठीक है, आप लोग तो बड़े मजे से कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लास 11th का बच्चा भी देख लिया ना हमको ऐसे पढ़ाते हुए तो घबरा जाएगा, ये क्या हो रहा है, इतना एंट्री में समय लग रहा है, ये छोटी छोटी एंट्री में. ठीक है, मान लीजिए अमाउंट था 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया कुछ भी, तो 1,00,000 रुपया यहां लिख देंगे हम. ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं. ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपके साथ.